अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर इंग्लिश टॉपिक हमारा था लिटल थिंग्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी रीडिंग कंप्लीट की थी, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन आंसर, रिटन कॉम्प्रिहेंशन। तो पहले बुक पे देखते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इनके आंसर क्या हैं। हु रोट दिस पोइम, क्वेश्चन नंबर वन है Who wrote this poem? ये नज़म जो है वो किसने लिखी है। तो हमने इसका पढ़ा था, इसका पोइट है जूलिया कार ने, जो कि अमेरिकन पोइट है जिसने ये नज़म लिखी थी। How do little deeds of kindness make our life happy? क्वेश्चन नंबर टू है, किस तरह से रहम दिली के जो काम है, जो अमल है, वो हमारी ज़िंदगी को खुशगवार बनाते हैं। सो लिटल डीड्स ऑफ काइंडनेस मेक आर लाइफ हैप्पी बिकॉज पीपल लाइक आर बिहेवियर, क्योंकि जब हम किसी के साथ रहम दिली से पेश आएंगे तो लोग हमें फिर पसंद भी करेंगे। हमारा बिहेवियर जो है वो लोगों को एडमायर करता है, लोग हमें फिर लाइक करना शुरू कर देते हैं, इससे हमारी ज़िंदगी जो है वो खुशगवार हो जाती है। नंबर थ्री पे है, एक्सप्लेन दीज लाइन्स इन योर ओन वर्ड्स। लाइन्स दी हुई हैं पोइम से उन्होंने हमें, लिटल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटल वर्ड्स ऑफ लव मेक आवर अर्थ एन इडन लाइक द हेवन अबव। हम जब नज़र पढ़ी थी तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो हमारे अमाल हैं छोटे छोटे, जिसमें नेकियां हम करते हैं, या हमारे जो अल्फाज हैं जिनसे जो हम प्यार और मोहब्बत से बोलते हैं किसी के साथ, वो हमारी ज़मीन को ऐसे बना देते हैं जैसे हम जन्नत में रह रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लिटल वर्ड्स ऑफ लव एंड काइंडनेस, डीड्स ऑफ काइंडनेस मेक आवर लाइफ हैप्पी एंड मेक दिस वर्ड्स ब्यूटिफुल टू प्लेस लिव इन, ऐसी जगह बना देते हैं हमारी दुनिया को जहाँ पे हम ऐसे रह रहे थे जैसे हम जन्नत में हैं। मेक एट लीस्ट टू वर्ड्स ईच विद द गिवन डायग्राफ्स PRCH एंड ट्राइग्राफ SCH SQU एंड राइट देम इन योर नोटबुक। डायग्राफ एंड ट्राइग्राफ यहाँ पे साइड पे बॉक्स दिया हुआ है, इस दफ़ा हम इसको रीड करते हैं। In the poem, the letter highlights in the blue are digraphs and in green are trigraphs. A digraph is a single sound represented by two letters. A trigraph is a single sound represented by three letters. Digraphs ऐसे words जो हमें जिसमें two letters इस्तेमाल किए जाएं और sound उसकी single हो, और trigraph में three letters use करें और उसकी sound जो है वो single हो। तो digraph and trigraph से हमने टू लेटर्स टू वर्ड्स जो हैं वो बनाने हैं, और इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। नंबर वन पे है, हु रोट दिस पोइम जूलिया एकार ने रोट दिस पोइम जूलिया एकार ने ये नज़म लिखी है। हाउ डू लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस मेक आवर लाइफ हैप्पी, किस तरह से नेक अमाल जो हमारी जिंदगी को खुशगवार बनाते हैं। आर लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस मेक अस पोलाइट एंड हम्बल, हमारे जो अमाल होते हैं काइंडनेस के, जिसमें हम नेक अमाल करते हैं, या हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज होता है, हम पोलाइट होते हैं, हम्बल होते हैं, यानी कि नरम गुफ्तगू होती है हमारे, आज जो अंदाज गुफ्तगू होता है उसमें आजजी होती है, तो उसे क्या होता है, देन पीपल लाइक अस, लोग हमें पसंद करते हैं। एंड दिस मेक आवर लाइफ हैप्पी, और ये चीज़ जब हम लोग हमारे साथ खुश हैं तो मसलन कि हमारी ज़िंदगी में हम खुश हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है हमारी ज़िंदगी को खुशगवार बनाती हैं। एक दफा फिर से पढ़ लेते हैं, और लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस मेक अस पोलाइट एंड हम्बल, देन पीपल लाइक अस एंड दिस मेक आवर लाइफ हैप्पी। नेक अमाल जो है वो हमें आजिज़ी और इंकसारी सिखाते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं और ये हमारी ज़िंदगी को खुशगवार बना देता है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन दीज लाइन्स इन योर ओन वर्ड्स। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव मेक आवर अर्थ एन इडन लाइक द हेवन अबव। स्टैंजा था ये हमारा लास्ट वाला, कि लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस के, नेकी के जो अमाल होते हैं छोटे छोटे, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव प्यार के जो अल्फाज होते हैं, मेक आवर अर्थ एन इडन हमारी जमीन को जन्नत बनाते हैं, लाइक द हेवन अबव, जैसे आसमानों पे जन्नत है। सो आंसर है इसका, और लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस एंड स्मॉल वर्ड्स ऑफ लव कैन
मेक और वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन, यानी कि हमारे नेक अमाल मोहब्बत के अल्फाज हमारी जमीन को खूबसूरत बना देते हैं, जिस तरह जिसमें हम अच्छी तरह से जिंदगी गुजार सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मेक एट लीस्ट, जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मेक एट लीस्ट टू वर्ड्स ईच विद द गिवन डायग्राफ पी आर सी एच एंड ट्राइग्राफ एस सी एच एस क्यू यू एंड राइट देम इन योर नोटबुक, और इनको अपनी नोटबुक में लिखना है। इसका आंसर मैंने आगे लिख दिया है, यहाँ पे डायग्राफ एंड टाइग्राफ ट्राइग्राफ डायग्राफ एंड ट्राइग्राफ। डायग्राफ में जो हमने पीआरसी हमने अभी पढ़ा था कि डायग्राफ में 2 लेटर्स की सिंगल साउंड और ट्राइग्राफ में 3 लेटर की सिंगल साउंड, जैसे यहाँ पे पीआर सीएच और ट्राइग्राफ में एससीएच एसक्यूयू एसक्यूयू। मैंने अंडरलाइन कर दिया है जिनकी हमने सिंगल साउंड को प्रोनाउंस करना है, जैसे डायग्राफ में प्राइड प्राइम चेन चेयर, ट्राइग्राफ में स्कूल स्केजुअल स्क्वायर स्क्वेयर स्क्वायर स्क्वेयर। ये है हमारे पास 2 वर्ड्स ऑफ डायग्राफ्स एंड ट्राइग्राफ्स विद डिफरेंट लेटर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन 4, जो आपने अपने नोटबुक पे इनको नोट डाउन करना है और इनको लर्न भी करना है। ये आपकी आज की डायरी है। अल्लाह हाफिज़।